मैं हूं संजय श्रीवास्तव। चुनावी समय में सफर करने को सारी पार्टियां तैयार है। उत्तराखंड में कांग्रेस भाजपा आमने सामने है, आम आदमी पार्टी टक्कर देने के लिए आ रही है, लेकिन इनके बीच में उत्तराखंडियों का सुध लेने वाला कौन है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि चार धाम यात्रा 6 महीने चलती है और 6 महीने में 3 महीने अच्छी तरह से चलती है, 3 महीने बारिश के कारण उसमें रुकावट रहती है, लेकिन आज भी कोरोना को लेकर के निर्णय नहीं हो पाया है कि चार धाम यात्रा सबके लिए खोली जा रही है। और अगर नहीं खोली जा रही है तो जो इस चार धाम यात्रा से प्रभावित हो रहे हैं लोग, जो स्थानीय लोग जिनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, उनके लिए सरकार क्या कर रही है, इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री प्रतिमा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है प्रतिमा जी आपका, सरकार का पक्ष रखने के लिए संजीव वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिमा जी, कांग्रेस बार बार मांग कर रही है कि चार धाम यात्रा खोली जाए, लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा बारिश चल रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें बंद हो रही हैं, सड़कों पे पहाड़ पेड़ गिर रहे हैं, इसमें क्या ये जो राजनीतिक दबाव जरूरी है इस समय? देखिए, ये कोई पहली बात है, ये कोई राजनीतिक दबाव नहीं है, ठीक है। ये वही वक्त है जब चार धाम जो यात्रा है वो सुचारू रूप से चलती है, क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में वो लोग हैं जिनकी आजीविका चार धाम यात्रा पे निर्भर करती है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जब सरकार ने ये फैसला किया था कि चार धाम यात्रा रोकी जाए, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन किया था, कुछ मांगों के साथ ये समर्थन किया था, क्योंकि उस वक्त कोरोना वेव जो 2 थी उससे देश और प्रदेश की जनता जूझ रही थी और कई लोगों ने अपने निजी लोगों को खोने का भी काम किया, तो इसलिए हमने उनका समर्थन किया। और हमने ये मांग भी रखी कि क्योंकि ये ऑलमोस्ट दूसरा साल है जब आपने देखा है कि चार धाम यात्रा जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, तो सरकार से हमने मांग की थी कि हम आपके जो निर्णय है उसका स्वागत करते हैं, बट जिनकी आजीविका उस पर निर्भर करती है आप उनके लिए कुछ राहत पैकेज अनाउंस करिए, और जो लोग होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, टैक्सी मैक्सी वाले हैं, इन लोगों के लिए जो होटल वाले हैं इनके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल या इस तरीके की कोई ईएमआई वगैरह उनकी चल रही है तो उन पे छूट देने का काम करिए। बट आपको पता है सत्ता में बैठी हठधर्मी सरकार है, अपने अहंकार में चूर्ण है वो, उसको उनको जो है जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है। चलिए सरकार से जवाब ले लेते हैं। संजीव वर्मा जी, कांग्रेस का कहना है कि हठधर्मिता है, आप कोर्ट का बहाना दे रहे हैं, सुध क्यों नहीं लिया जा रहा है उत्तराखंडियों का? कैसे पूरे साल ये जो चारधाम यात्रा चलती है 3 महीने में 12 महीने का आदमी टारगेट बना के चलता है कि पूरे साल उसी दौरान किए गए व्यवसाय से पूरा 1 साल चलाएंगे, कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ पाबंदियों के साथ शुरू तो करना पड़ेगा साहब। संजय देखिए, सरकार पूरी तरह से यात्रा को लेकर गंभीर है, थी और रहेगी। सरकार ने एक निश्चित तिथि घोषित करके यात्रा का प्रारंभ किया था जी। और जिसमें क्योंकि बीच में कोरोना काल आ गया था जी, कोरोना को देखते हुए हमने शुरुआत में 3 जिलों को परमिशन दी कि 3 जिलों के लोग आ जा सकते हैं जी। और उसके बाद अगर सब कुछ सही रहा तो इसका दायरा हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हम पूरी तरह से गंभीर हैं क्योंकि चारधाम यात्रा के बीच में जितने स्टेशन पड़ते हैं वहाँ के लोगों की आजीविका पूरी तरह से इसके ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। और हम किसी की आर्थिकी को बिल्कुल भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते और सरकार उनके साथ है और आगे भी रहेगी। बात रही यात्रा नहीं चल रही है, तो यात्रा नहीं चल रही है कोर्ट के ऑर्डर की वजह से, और कोर्ट कौन गया? कोर्ट में भी कांग्रेस के लोगों ने PIL डाली कि इस समय यात्रा चलाना उचित नहीं होगा, और उनका उस बात का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगाई। और जब कोर्ट ने रोक लगाई तो आप तो सीधा सीधा जो जिन लोगों की लाइफ लाइन है आपने तो सीधा सीधा उनके साथ कुठारघात किया। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। और जिस तरह से कांग्रेस आज लगातार चार धाम का रोना रो रही है,
मैं सोचता हूँ बहुत ही ज्यादा मूड जो सर फुटबॉल है, संजीव वर्मा की लड़ाई है, आपस की लड़ाई है, चारधाम यात्रा का रोना, ये शब्द, इस शब्द पे मुझे आपत्ति है। चार धाम यात्रा का रोना, अगर ये बात कर रहे हैं चार धाम यात्रा की, संजीव वर्मा जी एक मिनट सुन लीजिए, कांग्रेस कोरी राजनीति कर रही है, हम पूरी तरह से संवेदनशील है, चार धाम का रोना, ये सब संवेदनशील है सर, नहीं नहीं संवेदनशील है, सारी चीजें सही है, वो सारी चीजें सही है कि आप संवेदनशील है और आप चीजों को समझते हैं, लेकिन आप जब रैलियां निकालनी होती हैं, जब आपको विधानसभा सत्र करना होता है, तब तो आप ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। प्रतिमा जी, ये कह रहे बहुत संवेदनशील है, इनकी संवेदनशीलता कहां चली जाती है जब ये और काम है, चुनावी तैयारी करते हैं। देखिए बिल्कुल, मैं पहले भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनकी दो बातें उन्होंने कही, वो एक एक करके मैं इनका जवाब देती हूं। उन्होंने कहा कि सरकार गंभीर है, सरकार अगर गंभीर होती तो आपको हाईकोर्ट का जिक्र कर रहे हैं हमारे भाई साहब, और पहली बार कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट नहीं गई थी, क्योंकि हम अगर हाईकोर्ट जाते तो हम आज की डेट में हाईकोर्ट जाते पीआईएल लेकर के, कि हमारे लाखों भाई बहनों की आज बीच में मत होते, थोड़ा सा मर्यादा को बरकरार रखिए, ऐसे डिबेट नहीं कर सकते, करनी नहीं चाहिए, जनता को कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। देखिए तो हाईकोर्ट अगर जाना होता तो हम आज जाते पीआईएल लेकर के, कि ये हमारे लाखों प्रदेशवासियों की आजीविका का सवाल है, तो आप हाईकोर्ट से हम गुहार लगाते कि आप यात्रा शुरू करिए, तो हम उस वक्त रुकवाने के लिए हाईकोर्ट नहीं गए। दूसरी बात, आप खुद असमंजस की स्थिति में है, भारतीय जनता पार्टी इतनी कंफ्यूज है कि उसे ये नहीं पता, स्पष्ट है उनको कि हमें करना क्या है, आप हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एसएलपी में चले जाते हैं, और उसके बाद एसएलपी, अब आप कह रहे हैं जब आपका आपके ऊपर दबाव बन रहा है, नहीं जी हम एसएलपी नहीं कंटिन्यू करेंगे, हम तो हाईकोर्ट वापस आएंगे, तो आपके अंदर खुद ही इतना असमंजस है, आप इतने खुद जो है अपने अंतःकलह में डूबे हुए कि आपको जनता से कोई सरोकार नहीं है। दूसरी बात समझिए, हाई कोर्ट के उस ऑर्डर का एक यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहती हूँ, उसमें एक बात क्लियरली मेंशन है, उसमें हाई कोर्ट ने सरकार को डायरेक्शन दिया कि अगर आप वहां का मुआयना करिए और एक कमिटी गठित करिए, वहां की स्थितियां परिस्थितियां देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो है चार धाम यात्रा सुचारू रूप से सुव्यवस्थित ढंग से करा सकते हैं तो आप उसमें आगे बढ़िए, हमें कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी स्थिति हरिद्वार में होने वाले कुंभ की तरह नहीं होनी चाहिए, ये क्लियरली उस ऑर्डर में मेंशन है। आप उसके बाद भी अगर सरकार ने कमिटी गठित नहीं की, सरकार वहां नहीं गई, आपने मुआवजा नहीं किया, मुआयना वहां का इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद आप हाथ खड़े कर दे रहे हैं, तो ये आपकी असमर्थता है, आपकी असफलता है, आप इस स्थिति में नहीं है कि आप जो आपको जनता ने जो आपको दायित्व दिए हैं उनका निर्वहन आप अच्छे से कर पाए, क्योंकि आपने 4.5 सालों में प्रचंड बहुमत का जो खिलवाड़ किया है, 3-3 मुख्यमंत्री बदल के, आपसे अपना घर संभल नहीं रहा, दूसरों के घर को तोड़ने में आप लगे पड़े हैं, तो पहले अपना घर देखिए और जिस देवभूमि की जनता ने आपको बहुमत दिया है उसके सरोकारों के बारे में सोचिए। संजीव वर्मा जी, परिवर्तन यात्रा, आशीर्वाद यात्रा, इन सबका परमिशन दिया जा सकता है, लेकिन नहीं दिया जा सकता तो केवल ये चार धाम यात्रा के दर्शन का परमिशन नहीं दिया जा सकता है। संजय जी, ना तो यात्रा हमने रोकी, यात्रा रोकी कोर्ट ने, और हम कोर्ट की की अवमानना नहीं करना करना चाहते हैं, जब कोर्ट ने जो ऑर्डर किया हुआ है उसका हम अक्षरशः अनुपालन कर रहे हैं, और हमने कोर्ट में गुहार लगाई है कि इस समय कोरोना का जो प्रकोप है लगभग शून्य की ओर है, और अब आप वहां के जितने भी लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, तीर्थाटन से जुड़े हुए हैं, उन सब की आजीविका को और बाकी सब चीजों को, आस्था को ध्यान में रखते हुए जवाब दीजिए कि जो उनका इंस्ट्रक्शन, जो गाइडलाइन आई कोर्ट का, उसमें आपकी आपने क्या जवाब दिया? छोड़िए, चलिए आइए, बता तो रहे हैं। हाँ बताएं। तो अब हम दोबारा से हाईकोर्ट गए हैं, और हाईकोर्ट में 16 तारीख लगी है। बहुत सुंदर, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम हाईकोर्ट भैया। अरे जो
जो कानूनी तौर पे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो प्रक्रिया होती है उसका हम पालन करेंगे, आप आपके अनुसार जो गाइडलाइन है उस जो उन्होंने या कांग्रेस के अनुसार चलेंगे। कांग्रेस तो ना कोर्ट को मानती है ना किसी चीज को मानती है। अरे प्रतिमा जी का एक प्रश्न है कि कोर्ट ने अगर आपको एक गाइडलाइन दिया कि आप एक कमेटी बनाई और अपनी तैयारियों के विषय में बताइए, तो आपने कौन सी कमेटी बनाई, उसके लिए कौन सी बैठक की, क्या तैयारी की, ये तो बता सकते हैं साहब। ये तैयारी है, हम यात्रा को जैसी हाईकोर्ट हवा में तैयारी है, बिल्कुल धरातल पे है, धरातल पे है। कौन सी बैठक हुई? सरकार ने बैठक शासन स्तर पे, पुलिस प्रशासन स्तर पे, या जो वहां के पंडा है, जो है हम वहां के लोग बोलने देंगे। चलिए बोल लीजिए साहब, आज बोलिए। सरकार की पूरी तैयारियां हैं और कोरोना की जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी एसओपी है, उन सब का पालन करते हुए उन सभी का पालन करते हुए हम सर जो चारधाम यात्रा है उसको सुचारू रूप से चलाने जा रहे हैं। अगली अभी 16 तारीख को हमारे को बहुत अच्छे सुखद परिणाम आने की उम्मीद है, आशा मतलब उम्मीद किया जाए कि 100% शुरू होगी और जो वैक्सीनेट लोग हो रखे हैं, मतलब गाइडलाइन कोरोना की गाइडलाइन के तहत शुरू होगी, जो कोरोना गाइडलाइन है, अच्छी न्यूज़ है, उसका पालन करते हुए ठीक यात्रा प्रारंभ की जाएगी। बहुत सुंदर, दर्शकों के लिए ये शुभ समाचार है। प्रतिमा जी, अगर ये मान लीजिए इस तैयारी में है जी, प्रदेश के बड़े नेता है और ये कह रहे हैं, तो हमारी समस्या इस तैयारी में होंगी कि खोला जाए। अगर खोलने की तैयारी कर रहे हैं तो फिर उसको राजनीतिक रूप देने की कांग्रेस को क्या जरूरत है? देखिए, ये कोई राजनीतिक रूप नहीं है। अब मैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि कांग्रेस कोर्ट को नहीं मानती, इसको नहीं मानती, ये तो भारतीय जनता पार्टी की देखिए आदत है कि जब उनपे सवाल होता है तो शायद ये एक्चुअली दिक्कत ये है कि सत्ता चलानी ही नहीं आती, नहीं सत्ता में ये रहे कम, तो इनको ये समझ नहीं आता, ये भूल जाते हैं बार बार कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी है, कांग्रेस नहीं बैठी है। तो किस अगर कोर्ट के ऑर्डर का अनुपालन करते हैं तो आप आधी रात चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, आप यहाँ पे ऑब्जर्व के लिए तो आप आधी रात सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, फिर मैं जज लोया को भी लेके आऊंगी, आपके तड़ीपार अमित शाह को भी लेके आऊंगी, तो जो मुद्दा है उस पे स्टिक रहिए, नहीं तो अगर नेशनल पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर पूरी रात यहीं बितानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब आप समझिए, आप एसएलपी लेके हाई, आप एसएलपी लेके सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के डेफिनेटली स्टैंडिंग काउंसिल होंगे। स्टैंडिंग काउंसिल का काम है वहां पे कि आप उसको जल्दी रजिस्ट्री में लगा करके, डेट लगा करके आप चीफ जस्टिस के सामने लेके जाते कि ये हमारी मान्यताओं का मुद्दा है, ये हमारे लोग प्रदेश के लोगों की आजीविका का मुद्दा है, इसको जल्दी से सुनने का कष्ट करें। ये आपने, यानी आप जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, आपको लग रहा है जनता को उच्चतम न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट की बात मूर्ख नहीं समझ रहे हैं, कांग्रेस जनता को मूर्ख समझ रही है। मैं आपको बोलने नहीं दूंगी, याद रखिएगा, अभी फिर आप तो मेरी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बीच में टोकेंगे फिर मैं आपको बोलने नहीं, संजय जी सुन लीजिए, फिर आप आज प्रदेश की जनता को उच्चतम न्यायालय से लेकर के उच्च न्यायालय तक की कार्य प्रणालियों के बारे में पता है। दूसरी बात, किस चीज के लिए आप गंभीर हैं? आपने देवस्थानम बोर्ड गठित कर दिया, हमारे पांडा पुरोहित हक हकूक दारी पिछले कई महीनों से संघर्षरत हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और हद तो तब हो गई जब यहाँ पे सत्ता में बैठे मुखिया उनकी बात सुनने को तैयार नहीं, वो अपने खून से पत्र लिखने को बेबस है प्रधानमंत्री मोदी जी को, और दुख इस बात का है कि मोदी जी के द्वारा भी उन्हें किसी भी तरीके का कोई सम्मान या कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो जब से पुष्कर सिंह धामी आए हैं उन्होंने समितियां बनाई हैं, जो समिति उन्होंने देवस्थानम बोर्ड के लिए बनाई वो समिति उन्हें त्रिवेंद्र सिंह रावत को तब बनानी चाहिए थी जब आप बोर्ड गठित करने का काम कर रहे थे। आप हकूकधारियों को सुन नहीं रहे हैं, आप यहाँ की तुलना जो है साउथ से कर रहे हैं, यहाँ की तुलना आप दूसरे, अरे ये पौराणिक उनकी आस्था जुड़ी हुई है, ये मंदिर कोई कमर्शियल नहीं है, ये आस्था का प्रतीक है। तो यहाँ पे वो जो लोग सेवा कर रहे हैं वो एक परिवार की तरह अपने भगवान की सेवा करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नियत देवस्थानम बोर्ड को लेके साफ नहीं है, इनकी नियत चारधाम यात्रा शुरू करने की नहीं है, ये डिले टैक्टिक कर रहे हैं सिर्फ, इन्हें लग रहा है 4 महीने बचे हैं, चुनाव आ जाएगा, लोग ये चारधाम यात्रा का मुद्दा भूल जाएंगे। अरे लेकिन प्रतिमा जी, उससे फायदा क्या है? अगर आप इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं, मामले को लटका रहे हैं, चारधाम यात्रा को रोके जाने से भाजपा को क्या फायदा है? देखिए बिल्कुल क्यों नहीं फायदा है भारतीय जनता पार्टी को, जिस तरीके से इनकी किरकिरी हरिद्वार के कुंभ में हुई, वहां पे इन्होंने घोटाले की लंबी चौड़ी लाइन लगा के रख दी, वो जो घोटाला इन्होंने किया उसकी अभी तक जांच नहीं आई, आपने 2 स्वास्थ्य अधिकारियों को आपने निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया, उससे क्या
उसके पीछे जुड़े हुए जो आपके राजनेता थे जिनके साथ कई जो वहाँ पे कंपनियां थी उनके ओनर्स की फोटोज छपी हुई है। सही चीज है, ठीक है, बिल्कुल प्रतिमा जी सारी चीज सही है जी। लेकिन कांग्रेस अगर बार बार आरोप लगा रही है कि यात्रा को टैक्टिस डिले किया जा रहा है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को कौन सा चुनावी फायदा मिलने जा रहा है? नहीं एग्जैक्टली आप समझिए इनको फायदा नहीं है, हमने भी आप समझिए ये इनके पास वक्त नहीं है लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप चार धाम यात्रा सुचारू रूप से करेंगे तो ऑल वेदर रोड की जो असलियत है वो जनता के सामने आ जाएगी। आपने 4.5 सालों में जनता के लिए कुछ किया नहीं, आपके विधायक और मंत्री जहां जहां भी जा रहे हैं वहां वहां से जनता का रोष आपको झेलना पड़ रहा है। अभी 2 दिन पहले आप देख लीजिए धर्मपुर के विधायक चमोली जी ने हाथ खड़े कर दिए, भाई भाड़ में जाए आपका टिकट, हमें आपके टिकट से चुनाव नहीं लड़ना, जिस तरीके से लोगों ने उनको घेर लिया। तो नहीं तो आप यही है फायदा, एग्जैक्टली आप काम नहीं करना चाहते, आपको सुव्यवस्थित ढंग से चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, ये उस स्थिति में आज है नहीं, और ये अगर वो करने जाएंगे ये कर पाएंगे नहीं, इनकी किरकिरी होगी, इसलिए ये नहीं करना चाहते। ये माना जाए सत्ता में आना आसान है, भाजपा के लिए सत्ता चलाना मुश्किल हो रहा है। सत्ता चलानी तो इन्हें आती नहीं ना, क्योंकि देखिए सत्ता में आप कभी आपकी तरह भ्रष्टाचारी नहीं है मैडम, ठीक है भ्रष्टाचारी नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है, आपकी तरह घोटाले वाले नहीं है। अब मैं 2 सवाल पूछूंगी आपसे, सिर्फ 2 सवाल उनके जवाब दे दीजिएगा, आप अभी तक लोकायुक्त लेके क्यों नहीं आए? आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बेल पे चल रही है, आपके उपाध्यक्ष तो बेल पे चल रहे हैं, आपके उपाध्यक्ष तो बेल चल बेल पे चल रहे हैं, बेल पे चल रहे हैं आपके उपाध्यक्ष, कोई बेल पे नहीं है, और बेल पे बेल पे मैडम मैडम बेल पे सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की बेल पे चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बेल पे चल रहे हैं, कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का प्रयास कर रही है, बदनाम करने का प्रयास कर रही है, इसीलिए चार धाम यात्रा को रोकने के लिए बार बार अड़ंगे अड़ा रही है, बार बार अड़ंगे अड़ा रही है, बार बार अड़ंगे अड़ा रही है, और केवल चार धाम यात्रा को अड़ंगे इसलिए अड़ा रही है ताकि सरकार बदनाम हो। आपका सीधा सीधा एक ही देखिए, और दूसरी बात ये है, आप अपनी लड़ाई झगड़ों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए आपके हरीश रावत गोदियान और प्रीतम आपस में लड़े भिड़े पड़े हैं उस सबसे जनता का ध्यान हटाने के लिए भटकाने के लिए आप चार धाम का ड्रामा कर रहे हैं, चार धाम का ड्रामा कर रहे हैं, आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको कोई लेना देना नहीं चार धाम यात्रा से, हिंदुओं के सरोकार से आपका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। चार धाम की यात्रा को लेके आप कोरी राजनीति कर रहे हैं। हम लोग का समय की बाध्यता होती है, थोड़ा प्रतिमा जी से पूछ लेते हैं, उसके बाद अंतिम प्रश्न आपसे लेंगे। आप खुद ही बता दीजिए शासन प्रशासन स्तर पे क्या तैयारी है संजीव वर्मा जी, फिर मैं प्रतिमा जी के पास अंतिम प्रश्न लेके आऊंगा। संजय जी मैंने आपको बोला जो कोरोना की गाइडलाइन है, कोरोना की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए यात्रा को व्यवस्थित रूप से हम 16 तारीख को जैसे हाईकोर्ट के जो भी डिसीजन आएगा और हमारे को 100% ऐसा आशा है कि यात्रा के पक्ष में आएगा और 16 तारीख के उपरांत यात्रा सुचारू रूप से आरंभ कर दी जाएगी। चलिए ठीक है प्रतिमा जी जी, कम से कम अगर मान लीजिए ज्यादा दिन तो नहीं रह गया है, तब तक राजनीतिक विराम देते हुए हो सकता है कि ये लोग इनकी मंशा सही हो, तो हमें क्या इंतजार करना चाहिए? देखिए ये राजनीतिक कोई ये देखिए हम विपक्ष में हैं और क्योंकि जो है पांडा पुरोहित और हक हकूकधारियों का समर्थन हम कर रहे हैं और हमने शुरुआत भड़का रहे हैं, आप पांडा पुरोहितों को लगातार भड़का रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी बैठक हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जवाब दे चुके हैं, बैठक हो चुकी है और जवाब दे चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया है कि उनके पक्ष में
देखिए ये कोई और जो पांडा पुरोहितों की बात ये कर रहे हैं, तो जिस दिन उन्होंने पुष्कर सिंह धामी जी ने ट्वीट किया उसी दिन उस ट्वीट का खंडन पांडा पुरोहितों ने कर दिया कि हमारी तो उनसे कोई मुलाकात ही नहीं हुई। और झूठ बोल रही है आप, झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही है, पुलिंदा मैडम संजीव वर्मा जी पुलिंदा है, झूठ का पुलिंदा है संजीव वर्मा जी, झूठ पे ही राजनीति वर्मा जी प्रतिमा जी, धन्यवाद दोनों लोगों का। चारधाम यात्रा इतनी आसान नहीं है कि इतने आसानी से उसका निर्णय निकल जाए, बहुत मजबूती से उसका निर्णय निकलना चाहिए, क्योंकि ये पहाड़ की लाइफलाइन कही जाती है। पूरे साल का रोजगार लगभग लगभग 50% लोगों का इस पे डिपेंड होता है, इसलिए अगर उसको खोला जाना है तो व्यवस्थित तरह से खोला जाए, और अगर भारतीय जनता पार्टी तैयारी के साथ खोलने के ईमानदारी प्रयास कर रही है तो उसका सराहना भी करना चाहिए। और अगर यह लगता है कि चार धाम यात्रा के सारे राजनीति की जा रही है तो कांग्रेस का विरोध कहीं से भी जायज या नाजायज तभी समझ में आएगा जब भारतीय जनता पार्टी ऐसे निर्णय पर पहुंचेगी जो यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए नुकसानदायक हो। धन्यवाद, देखते रहे बीएपी न्यूज़।